हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग ठीक ही होंगे। यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ क्वेरी हो तो इस पे कमेंट भी करें। तो आज का जो ये मेरा वीडियो है, ये ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन सिस्टम के ऊपर है, और इस वीडियो को फुल वॉच करें जिससे कि आपको पूरी तरह से कंप्लीट नॉलेज मिल सके, और ये स्टार्ट करें ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि जो मेरा ट्रांसफार्मर है, जो कि मेरा पावर ट्रांसफर करता है और वोल्टेज लेवल को अप या डाउन करता है, उसके बारे में। उसमें जो जितना भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है सेफ्टी पर्पस से, उसके बारे में जानेंगे। तो हम देखने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर में कितना प्रकार का सेफ्टी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि किसी प्रकार का फायर हजार्ड ना हो या फिर वो बर्नआउट ना हो। तो देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं WTI का, जिसे हम बोलते हैं वाइंडिंग टेम्परेचर। उसमें क्या होता है कि जब पावर ट्रांसफर होता है प्राइमरी टू सेकेंडरी, या फिर बोल सकते हैं एक साइड से दूसरे साइड जब पावर ट्रांसफर होता है, तो वो क्वाइल के थ्रू होता है। तो क्वाइल के थ्रू जब होता है तो उसमें करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है तो वो हीट अप होता है। तो उसी को बोलते हैं कि इस चीज को मेजरमेंट के लिए कि मेरा अभी फिलहाल वो ट्रांसफार्मर कितना लोडेड है, उसका टेम्परेचर कितना है। यदि एक्सेसिव टेम्परेचर हो जाएगा फॉल्ट कंडीशन में, या फिर कोई अदर रीजन के वजह से, ओवरलोड के वजह से, तो हम उसको ट्रांसफार्मर के सेफ्टी के अनुसार उसको बंद कर सके, उसको ट्रिप कर सके, इसलिए उसमें WTI टेम्परेचर का प्रोविजन दिया जाता है। और सेम थिंग जब मेरा वाइंडिंग टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो वाइंडिंग को कूलिंग के लिए नेफ्था ऑयल यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में, और वो ऑयल जो है ओवर हीटअप होने के कारण वेपोराइज होगा, उसमें गैस बनेगा, जिसके कारण ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो सकता है। इस वजह से हम उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, सुपरविजन करने के लिए, हम जो है OTI का प्रोविजन करते हैं। उसमें माइक्रो स्विच लगा रहता है मार्शलिंग बॉक्स में। क्योंकि हम ये WTI OTI का इसलिए प्रोविजन हमको रखना पड़ता है, क्योंकि साइट पे जो ट्रांसफार्मर लगा है तो उसको हम एनी टाइम बार बार जो है देखने या फिर सुपरविजन करने के लिए नहीं जा सकते हैं, इसलिए उसको WTI और OTI का प्रोविजन उसमें रखा जाता है। इससे आगे देखें तो उसका भूकोल रिले लगा रहता है, जो कि उसको मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में 5 डिग्री पे इंस्टॉल किया जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें भी सेम थिंग, जब फॉल्ट कंडीशन में या फिर किसी अदर कंडीशन में ज्यादा करंट के वजह से ट्रांसफार्मर ओवरलोड के वजह से ऑयल पूरा हीटअप हो जाता है, और उसमें वेपोराइज होने लगता है, गैस बनने लगता है, तो वो भूकोल रिले ऑपरेट होता है, और जिसके कारण वो उसमें मरकरी स्विच होता है, और उस मरकरी स्विच में कांटेक्ट रहता है, जो कि कांटेक्ट मेक करता है, और वो सिग्नल जो है मेरा ब्रेकर में जाता है और ब्रेकर को बंद कर देता है, जिससे मेरा ट्रांसफार्मर प्रोटेक्ट हो जाता है, ओवर हीटअप से ट्रांसफार्मर का सप्लाई काट दिया जाता है। उसी प्रकार से हम आगे देखें तो उसमें एक PRV होता है, जिसे हम प्रेशर रिलीफ वाल्व बोलते हैं, PRV, प्रेशर रिलीफ वाल्व। उसमें भी वही फंक्शन होता है कि ओवर हीटिंग के वजह से, जब ट्रांसफार्मर जो है ओवर हीटिंग के वजह से जब ट्रांसफार्मर का ऑयल वेपोराइज होने लगता है, उसके अंदर बहुत प्रेशर जेनरेट हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो प्रेशर रिलीफ वाल्व ऑपरेट होता है, और वहां से ट्रांसफार्मर के टॉप पोर्शन से वो वाल्व ओपन होता है प्रेशर के वजह से, और प्रेशर के वजह से वाल्व ऑपरेट होता है, तो उससे ऑयल और गैस, जिसके कारण कि हाई प्रेशर अंदर में बना हुआ था, तो प्रेशर रिलीज हो जाता है, उसके बाद वो पुनः बंद हो जाता है, और वो जो वाल्व खुलता है तो उसके वजह से उसमें एक स्विच लगा रहता है, लिमिट स्विच लगा रहता है,
जो कि वो ऑपरेट हो जाता है, फिर अगेन जब नॉर्मल कंडीशन होता है तो उसको रिसेट करना पड़ता है। और उसमें प्रोटेक्शन है जिससे कि ओएसआर जिसे हम ऑयल सर्ज रिले बोलते हैं, इस ये रिले जो है जनरली ऑटो ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है, जहाँ पे टेप ऑनलाइन टेप चेंजर की वजह से, लोड ऑन लोड टेप चेंजर की वजह से कॉन्टैक्ट में स्पार्किंग होता है, हैवी स्पार्किंग होता है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर ऑयल ज़्यादा वेपोराइज होता है, ज़्यादा हीटअप होता है, ताकि जब भी किसी प्रकार का फॉल्ट हो या फिर ज़्यादा स्पार्किंग हो तो उस कंडीशन में ऑयल सर्ज के कारण जो प्रेशर जेनरेट होगा और प्रेशर जेनरेट होगा तो उसके वजह से, यदि ज़्यादा प्रेशर जेनरेट हो गया ऑयल सर्ज के वजह से, तो उस कंडीशन में मेरा ट्रांसफार्मर को ब्रेकर को ट्रिप किया जा सके और ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट किया जा सके। और हम नेक्स्ट का बात करें तो कंजर्वेटर टैंक के साइड में को बोलते हैं MOG मैग्नेटिक ऑयल गेज, MOG मैग्नेटिक ऑयल गेज सेंसर। उसमें क्या होता है कि हम इससे पता करते हैं कि जो कंजर्वेटर में जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसका लेवल क्या है। यदि उसका लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा कि मेरा जब भी हम मेरा नो लोड में रहेगा ट्रांसफार्मर तो पूरा ऑयल कूलिंग ठंडा होने के कारण वो पूरा बैठ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा और इससे मेरा लेवल कम हो सकता है नो लोड में। वो लेवल को मेंटेन रखता है ट्रांसफार्मर के, ऑयल को मेंटेन रखता है, इसलिए उसको MOG लगाया जाता है। और वो सिर्फ ऑयल को इंडिकेट करता है और कभी कभी ट्रिप उसमें अलार्म का भी प्रोविजन रहता है माइक्रो स्विच के कारण, जिससे कि हमको ये पता चले कि ऑयल कम हो गया या फिर लीकेज हो गया है। उसका हो सकता है कि ट्रांसफार्मर में कहीं लीकेज के कारण ऑयल बहुत ज़्यादा कम हो गया हो, तो जब ऑयल ट्रांसफार्मर का ऑयल कम हो जाएगा तो फिर MOG से भी ऑयल का लेवल बहुत कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में अलार्म जनरेट करेगा। और हम नेक्स्ट का बात करें तो VCV ब्रेकर में अर्थ फॉल्ट का प्रोविजन होता है, ओवर करंट का प्रोविजन होता है, ओवरलोड का प्रोविजन होता है, जिसे जिसके कारण उसमें न्यूमेरिकल रिले या फिर अर्थ फॉल्ट रिले ये सब लगा रहता है, या जैसे कि ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड में चल रहा है तो उस कंडीशन में जो मेरा करंट का सेटिंग है वो करंट का सेटिंग जो है मेरा VCV ब्रेकर में या फिर जो भी ब्रेकर लगा है उसके साथ, उस ब्रेकर से के साथ कनेक्टेड रहता है, जिसके कारण ओवरलोड पे ब्रेकर ट्रिप कर देता है। थैंक यू।